यदि आप शिरडी दर्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ के साईं प्रसादालय जाना न भूलें। शिरडी के मंदिर से कुछ ही कदमों की दूरी पर मौजूद ये किचन दुनिया के सबसे बड़े किचन में से एक है। साईं प्रसादालय में हर रोज 60,000 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। एक बार में करीब 3,500 लोगों को खाना यहाँ परोसा जाता है। श्री साईं बाबा संस्थान के मुताबिक इसकी शुरुआत 19वीं सदी में की थी। यहाँ मान्यता है कि यहाँ खुद साईं बाबा चक्की पर गेहूँ पीसकर लोगों को भोजन करवाते थे। सबसे खास बात तो ये कि यहाँ सोलर एनर्जी से खाना बनाया जाता है। इसके लिए छत पर बड़ी बड़ी सोलर छतरी लगाई गई है। इस किचन में रोज करीब 6,000 किलो आटा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ रोटी बनाने की 5 मशीनें हैं, जो 3 घंटे में 30,000 रोटियां बनाती हैं। क्या है प्रसाद की कीमत? प्रसादालय में बनने वाले भोजन की एक थाली की कीमत 10 रुपए है, जबकि 10 साल से भी कम उम्र के बच्चों के लिए एक थाली की कीमत 4 रुपए है। वैसे तो यहाँ एक थाली की लागत लगभग 15 रुपए है, इसके बावजूद यहाँ लोगों को थाली 10 रुपए में परोसी जाती है। यहाँ गरीब और असहायों के लिए भोजन मुफ्त है। वहीं VIP हॉल में खाने के लिए 40 रुपए शुल्क है। यदि आप साईं प्रसादालय में भोजन करवाना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा मौजूद है। इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करवानी होगी। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की वेबसाइट से आप भोजन डोनेशन स्कीम में बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 3,00,000 रुपए तक दान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।